एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो साधना विभू ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज मैंने रस बनाया है, देसी कैरी का रस बनाया है। गाइस मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने आज देसी कैरी का रस बनाया है और बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू। तो आप देख सकते हो गाइस, ये रस बनाया है मैंने, देसी कैरी का रस बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी है। मैंने टेस्ट किया था और कैरी भी टेस्ट की थी गाइस, तो बहुत ही टेस्टी है गाइस। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और मैंने कुछ अलग तरीके से आज रस बनाया है गाइस। मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से रस बनाया है। और आज मैंने बनाए हैं गाइस मोतीचूर के लड्डू, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं। और अगर जिसको भी इसकी रेसिपी चाहिए गाइस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैं नेक्स्ट बार जब भी बनाऊंगी तो आपके लिए ज़रूर रेसिपी शूट करके आप व्लॉग में बताऊंगी गाइस। तो बस मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं गाइस, बहुत ही टेस्टी है गाइस लड्डू, तो आप देख सकते हो। और बस गाइस, मेरा काम अभी तो बहुत बाकी है। विभू गई है खेलने के लिए और मम्मी पापा उसे लेकर गए हैं खेलने के लिए। तो इतने में मुझे सारा काम करना है। अभी तो रस निकाला है गाइस, दूध गरम करा है, आप देख सकते हैं कि दूध गरम हो गया है और दिया करा है। और उसके बाद में अभी मेन काम बाकी है मेरा, रोटी सब्जी बनाना बाकी है। तो गाइस मैं रोटी बना रही थी, आप देख सकते हो। तो बस मैं रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। तो बस मैं ब्लॉग बना रही थी गाइस और साथ में रोटी भी बना रही हूँ, साथ में काम भी करते जा रही हूँ और ब्लॉगिंग भी करते जा रही हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं मैं साथ साथ में रोटी भी बना रही हूँ। और गाइस आज तो बहुत ही काम है और मतलब आप देख सकते हैं गर्मी भी आज बहुत है गाइस। मेरी हालत देख सकते हैं गर्मी की वजह से कितना पसीना हुआ है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो बस गाइस मेरा काम अभी तो बाकी है, रोटी बनाना बाकी है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2-3 रोटी बेल के रख दी है गाइस, और बेल के रखी हुई है आप देख सकते हो। तो बस वो हो रही, इतने में मैं आपसे थोड़ा बातें कर लेती हूँ गाइस। और गाइस अगर आपको भी ऐसे ही अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट बार बनाऊँगी तो ज़रूर शूट करके आपके सॉरी वीडियो अपलोड करूँगी रेसिपी की मोतीचूर का। तो बस गाइस आज तो बहुत ही थक गए थे क्योंकि आज हम गए थे बेबी शावर में, और मतलब गर्मी में होता है ना कि बहुत मतलब गर्मी बहुत है, गर्मी में कहीं जाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। तो बस हम गए थे आज मतलब ज़्यादा दूर दूर तो नहीं गए थे, बस काम में गए थे। तो आप देख सकते हैं मेरी रोटी। तो बस मैं रोटी भी बनाते जा रही हूँ और क्या बोले तो आपसे बातें भी करते जा रही हूँ गाइस। तो प्लीज़ इग्नोर करना अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो। तो बस गाइस आज तो बहुत थक गई हूँ क्योंकि छोटी दिन भर आज तो सोई नहीं गाइस, वो सोने का नाम ही नहीं लिया उसने, तो बिल्कुल वो सोई नहीं आज गाइस। तो उसके पीछे दिन भर उसे रखा, फिर उसके बाद 4 बजे से काम चालू हो गया, कचरा निकालना, कपड़े गड़े करना, आपको तो पता है एक लेडी को कितना काम होता है गाइस। फिर बीच बीच में इसने छोटी ने वॉशरूम कर दी तो उसे चेंज कराना, और फिर पानी पिलाना उसे, ये वो कितना काम होता है गाइस। तो बस मैंने सोचा चलिए आपसे भी थोड़ी शेयर कर लेती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने साफ़ सफाई भी की थी, कल ही की थी मैंने साफ़ सफाई, और मेरा गैस चालू है गाइस। तो चलिए मैं रोटी भी बनाते जाती हूँ और आपसे बातें भी करते जाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं रोटी भी बना रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो बस गाइस बने रहिए ब्लॉग के साथ और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आपके प्यार के बिना कुछ